नमस्कार इवनिंग लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है ये वक्त कितना सुहाना होता है ना शाम का वक्त जब सारा परिवार साथ हो चाय की चुस्कियाँ ली जा रही हो मज़े आ रहे हो थोड़ी छोटी मोटी गपशप चल रही हो लेकिन अगर थोड़ा सा नज़रिया हम बड़ा करें और ध्यान से गौर से अपने आसपास देखें तो हमारे आसपास अंधेरे की भी कोई कमी नहीं है आप देखें तो आपके आसपास इतना गहरा इतना बड़ा अंधेरा है चाहे वो रूढ़िवादिता का हो या अज्ञानता का हो और कौन नहीं चाहता कि हमारे आसपास सिर्फ रोशनी ही रोशनी झिलमिलाए और ये सारे अंधेरे ये सारे अंधकार हमसे कहीं दूर कोसों दूर चले जाएं और इसी की दिशा में एक कदम बढ़ाया जा रहा है साक्षरता का यानी कि हम ये सब सपना संजो रहे हैं कि हिंदुस्तान जल्द से जल्द पूरी तरह से साक्षर यानी 100 परसेंट लिटरेट हो जाए और कल तो भाई बहुत ख़ास दिन भी है कल यानी 8 सितंबर को है इंटरनेशनल लिटरेसी डे और इसी उपलक्ष में आइए जानते हैं कि हमारा देश कब तक पूरी तरह से साक्षर हो पाएगा और आने वाले दिनों में और क्या ख़ास हमें देखने को मिलेगा और पिछले दिनों में क्या कुछ है जो हमने अचीव कर लिया है इसी पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ फिलहाल मौजूद है आपको मिलवाएं हमारे साथ हैं मिस्टर जगमोहन सिंह राजू जो जॉइंट सेक्रेटरी है अडल्ट एजुकेशन के और साथ ही डी है नेशनल लिटरेसी मिशन के सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो किस आंकड़े से शुरू हुई थी तब कितना लिटरेट था हमारा देश और आज दो साल बाद कितना इम्प्रूवमेंट आया अगर आप आंकड़ों की बात करें तो अगर उन्नीस से अगर हम चलते हैं तो केवल हमारी जो लिटरेसी दर था वो 10 परसेंट से भी कम था तो वहां से 2001 में चौसठ परसेंट लिटरेसी हुआ और 2011 जो अभी सेंसेस खत्म हुआ है उससे हमें पता चला है कि अब हमारा देश जो है 74 परसेंट लिटरेट हो चुका है वाह ये तो बड़े इम्प्रेसिव और बहुत ही सुखद आंकड़े हैं कि अब सिर्फ 26 दी हमें और आगे बढ़ना है और 100 परसेंट लिटरेट हमारा देश हो जाएगा लेकिन यहाँ पे हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ डू वी डिफाइन अ पर्सन बीइंग लिटरेट उसकी परिभाषा क्या है किस व्यक्ति को हम कहते हैं कि अब ये लिटरेट है ये आपका बहुत ही एक अच्छा सवाल है क्योंकि अक्सर यही लोग समझते हैं कि अगर अंग... आपको सिग्नेचर करना आ जाए या जा आपको थोड़ा मोटा पढ़ना आ जाए तो आप साक्षर करहा सकते हैं जी। लेकिन जो हमारी अपनी डेफिनेशन है जो नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी की डेफिनेशन है हम केवल उन्हीं को साक्षर मानते हैं जिनको एक अगर फॉर्मल स्कूल का आप देखें तो जो तीसरी क्लास का बच्चा होता है जी। उसको जितना लिखना पढ़ना का ज्ञान होता है अगर उतना ज्ञान आपको आ जाए तो ही हम साक्षर मानते हैं तो ये जो मिशन हम लेके चल रहे हैं कि हमें 100% द 100% लिटरेसी अपने देश में लानी है इसमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या सामने आ रहे हैं सबसे बड़ा चैलेंज तो है मैग्नीट्यूड का हुँ. अगर आप देखें कि 74% और अगर आप हमारी पॉपुलेशन देखें तो अभी भी 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं जी. और वो सारा हिंदुस्तान एक इतना बड़ा देश है हर अलग-अलग भाषाएं हैं आ, आ, और जितने अगर आप विलेजेस देखें ग्रामीण एरियाज उनमें ज़्यादा जो है अनपढ़ता है उसमें ज़्यादा इलिट्रेसी है तो ऑल पुट टुगेदर एक तो इसका मैग्नीट्यूड का इशू है फिर रिसोर्सेज का इशू है और फिर टाइम फ्रेम का इशू है कि हमें जो 25 सत्ताईस करोड़ लोगों को पूरा साक्षर करना है वो एक निर्धारित समय में करना है वो पाँच साल के अंदर अच्छा अगर आपको करना है

भारत के हर भाग में जाता हूँ और हर हफ्ते ही मुझे जाना पड़ता है तो एक बहुत ही एक अजीब बात मैंने नोट की है कि चाहे अगर हम लेह और लद्दाख जो कम से कम चौदह हज़ार फीट की हम ऊँचाई पर ट्रैवल कर रहे थे जहाँ आप रची के ट्राइबल एरियाज़ में देखें जहाँ असम में देखें जहाँ कहीं भी मैंने देखा है कि जब किसी भी महिला से आप बात करें तो उनके मन में एक बहुत ही अफसोस और बहुत एक दुख ऑफ हैविंग लॉस एन अपॉर्चुनिटी जो उनका एक हक था वो और बड़े अच्छे तरीके से वो बताते हैं कि देखिए क्योंकि हम मेला थे और हमें जो हमारा हक था पढ़ने का वो मौका हमसे निकल गया है जी। और जब उनसे पूछा जाए कि क्या आप दोबारा इस अवसर अगर मिले आपको तो करना चाहेंगे तो वो बड़ी दृढ़ता से बोलते हैं कि हाँ कुछ भी हो रात को दिन को बच्चों को सलाह के सब कुछ करके कुछ करेंगे लेकिन हमें पढ़ना जरूर है तो तो बड़ी खुशी की बात है कि महिलाएं खुद आगे आ रही हैं और ये कह रही हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं क्योंकि जैसा माना भी जाता है कि परिवार में अगर औरत शिक्षित हो जाए वो साक्षर हो जाए तो आने वाले बच्चे साक्षर होंगे ये तय बात है और वो एक जो डिफरेंस है वो उनकी समझ में आ जाता है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और पढ़े लिखे हैं तो उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क आ जाता है तो ऐसे में महिलाओं के लिए खास तौर पर कोई स्कीम्स भी हैं बिफोर आई आंसर दैट मैं फिर से आपको ये कहना चाहूँगा कि एक तो है कि फंक्शनल लिटरेसी का फायदा क्या है कि बच्चों को पढ़ा सकते हैं बाकी कर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी जो मोटिवेशन महिलाओं में देखी है हुँ. वो ये है कि मुझे यू नो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कि जी जो हमारा हक था ये हमें मिला नहीं तो जब वो लिटरेट होती है तो अपने आप को एम्पावर्ड समझते हैं वो अपने आप को right. बराबर समझते हैं तो दैट इज़ द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन विच गेट जो आपका सेकंड सवाल है प्रश्न है कि क्या हमारा कोई खास प्रोग्राम उनके लिए है हुँ. तो ये जो साक्षर भारत मिशन है जो प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2009 को ही लॉन्च किया था ये मुख्य तौर से महिलाओं के लिए ही है अच्छा। तो जितनी भी हमारी बेनिफिशरी होंगी उसके कम से कम 80 टू 85 परसेंट महिलाएं होंगी हुँ. लेकिन पुरुषों को भी इसमें शामिल किया जाएगा वो इससे एक्सक्लूडेड नहीं है लेकिन जो मेन फोकस है वो महिलाओं का ही है। और ये कैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है पढ़ाई के लिए जो क्लासेस रहती हैं वो कहाँ पे होती हैं और साथ ही आप कैसे वॉल्टियर्स कैसे सामने आते हैं पढ़ाने के लिए इसमें आपको अगर ये बताएं कि जैसे मैंने कहा कि जो इसका अभी इमीजिएट मिशन है वो सात करोड़ का है कि हमें सात करोड़ महिलाओं को और पुरुषों को जिसमें छः करोड़ पुरुष महिलाएं होंगी और एक करोड़ पुरुष होंगे और उसमें ज़्यादा एस सीज एस टीज मिनोरिटीज उन पर इसका फोकस रहेगा तो हमें लगता है कि सात करोड़ बहुत ही बड़ा फिगर है पाँच सौ में कैसे किया जाएगा लेकिन अगर आप ये देखें कि इस काम को अगर हम ग्राम पंचायतों में बांट लें तो चार सौ दस डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें एडल्ट फीमेल लिटरेसी कुछ कम है और वहाँ दो लाख ग्राम पंचायत तकरीबन आती हैं तो अगर हम उनको ये काम सौंपते हैं तो एक गांव में केवल 300-400 ही लोगों को साक्ष्य करना होता है तो और हर ग्राम पंचायत में कम से कम 10-12 लोग पंचायत में रहते हैं और फिर कम्युनिटी रहती है तो जब उनको ये काम सौंपा जाता है सो तो ये एक इनोवेशन हम लाए हैं कि ये केवल सरकार ही नहीं करेगी लोगों का अपने चुने हुए जो नुमाइंदे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे हैं हमने सरपंचज़ और ग्राम पंचायत के माध्यम से इसको इंप्लीमेंट करने का सोचा है तो एक तो इट बिकम्स अ पीपल्स प्रोग्राम दूसरा है कि बिल्कुल उनके डोर स्टेप पे चला जाता है तीसरा है कि जैसे डायरेक्टर जनरल है वो एक बेनिफिशरी से बहुत दूर बैठा है लेकिन जो सरपंच साहब है वो तो बिल्कुल साथ में बैठे हैं तो अगर अच्छा काम होगा तो उनकी प्रशंसा भी करेंगे कुछ कमी पेशी होगी तो उनको जाके पूछेंगे कि आप सरपंच हैं हमारे तो हमारा ये जो प्रोग्राम है अच्छा नहीं चल रहा इसको अच्छा चलाइए जी और आपने बड़ी एक खूबसूरत बात कही थी कि जब आप घूमते हैं आप लोगों से बिल्कुल नजदीक तो है, मिलते हैं <laughs> और आप उनसे, है। आप उनसे आपको मौका मिलता है कि आप उनसे सीधा बात कर पाए और महिलाओं ने आपको इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया कि वो वाकई पढ़ना चाहती हैं और सामने आ रही है महिलाएं पर कुछ ऐसे लोग भी मिले जो ये कहते हैं कि नहीं हमारा कोई इंक्लिनेशन नहीं है अब मान लीजिए कोई किसी काम में सेटल हो गया है कोई स्किल है कुछ भी अपना काम कर रहे हैं तो उनको लगता है कि नहीं अब तो तो रोजी रोटी चली रही है तो पढ़ने की क्या जरूरत है तो इस चैलेंज से आप फिर कैसे निपटते हैं मैंने ऐसे जो प्रश्न देखे हैं वो ज्यादा तौर पे जो शहर में या यू नो कैपिटल में या मीटिंग्स में ऐसे लोग कहते हैं कि वो कहेंगे अब तो हम बच्चों का पढ़ने का समय हमें नहीं पढ़ना लेकिन जो हमारा इंटरेक्शन रहता है वो ऐसा नहीं वो कहते हैं बिल्कुल कि हमें नहीं पढ़ना है तो मुझे इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आई है लेकिन दूसरा है जब एक बार माहौल बन जाता है आपने देखा होगा कि बच्चा भी पढ़ रहा है बहू भी पढ़ रही है बेटी भी पढ़ रही है तो जो भी बड़े उम्र वाले भी होते हैं वो भी फिर उस एक जो माहौल में एक इन्वायरमेंट बिल जो बिल्ट हो जाता है उसमें वो बिल्कुल साथ लग जाते हैं एक फैमिली इन्वायरमेंट बन जाता है एक विलेज इन्वायरमेंट बन जाता है एक नेशनल इन्वामेंट बन जाता है उसमें वो अच्छा चलता है ऐसा तो जैसे अगर अभी सोचने पे हम लोग बैठे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग झिझकते होंगे तो क्या उनको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है ऐसा भी करना पड़ता है कि कि जाएं और पहले उनको काउंसलिंग करें नहीं नहीं इसमें झिझकने की कोई बात नहीं है पढ़ने की कोई उम्र नहीं है ये बताना पड़ता है या लोगों में इतनी जिज्ञासा या इतनी चाह है कि लोग खुद से सामने आ रहे हैं आपके प्रश्न का मैं इस तरीके से भी उत्तर दे सकता हूँ कि हमने अभी तक जो असेसमेंट्स की हैं और बहुत ही एक साइंटिफिक असेसमेंट करते हैं ऐसा नहीं कह थे कि किसी को हम कह दें कि आप अब साक्षर हो गए हैं जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है उनके से हमने बिल्कुल एक नया तरीका इसका अपनाया है एक टेस्ट होता है जिसमें वो स्पीड उसकी देखी जाती अच्छा। है वो लिखते हैं उनकी न्यूमेरिकल स्किल देखे जाते हैं कि कितने सवाल जो आप दे सकते हैं उनसे पढ़वाया जाता है और उसके बाद ही उनको घोषित करते हैं कि साक्षर हैं अच्छा। तो अगर आप अभी हमने कम जो रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं वो पचास लाख के तकरीबन हमने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और जो अभी बीस अगस्त को असेसमेंट हुआ था

कोई नौकरी या कोई बहुत बड़ा पीएचडी का मेडल तो नहीं मिलता है right. लेकिन जो उनके मन में खुशी आती है mm -hmm. जो उनके मन में इतना अचीवमेंट का गर्व पैदा होता है वो देखने पे आपको मिलेगा है ब्यूटीफुल लेकिन जैसे हमने बताया आपने बताया कि लिटरेसी में हम ये मानते हैं कि अगर तीसरी कक्षा तक के बच्चे का ज्ञान एक व्यक्ति को है तो उसको लिटरेट माना जाएगा लेकिन क्या ये सिर्फ पढ़ने और लिखने तक सीमित है या जब पढ़ाया जाता है जब वॉलेंटियर उनको शिक्षा दे रहे हैं तो उनके जो मूलभूत अधिकार हैं या जो सरकार ने उनको सुविधाएँ मुहैया कराई हैं इन सब बातों के बारे में भी उनको जागरूक किया जाता है देखिए इस जो हमारा प्रोग्राम है इसके दो आ, स्ट्रीम्स रहते हैं एक स्ट्रीम तो ये है कि जब तक आपको अक्षर का ज्ञान नहीं है हुँ. तो आप जितने भी आपके राइट्स हैं उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे right, exactly. अगर आपको राइट टू तो इंफॉर्मेशन तो है अब मैं बता भी दूंगा कि राइट टू तो इन्फॉर्मेशन आपका है लेकिन अगर आप एक, एक एप्लीकेशन लिख के हुँ. दस रुपए का ड्राफ्ट नहीं लिख पाएंगे तो उसका आप उपयोग नहीं कर पाते हैं तो एक तो है कि उनको जरूरी है कि अक्षर का ज्ञान दिया जाए और उसके अलावा वी हैव थ्री मोर कॉम्पोनेंट्स कि अगर आपने लिटरेट कर लिया और अगर और भी जिज्ञासा है तो हम उनको आठवीं कक्षा तक का ज्ञान और दसवीं का भी सर्टिफिकेट देने की उसमें प्रोविजन्स हैं okay. अगर आपको स्किल साइड पे जाना है तो साक्षर के साथ साथ आप स्किल वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट भी उसको करते हैं और जो आप कह रहे हैं उसका भी ज्ञान जिसको हम कॉन्टीन्यूंग एजुकेशन जो एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स हमारे बनते हैं उसमें इसका पूरा ज्ञान दिया जाता है कि एम्पावरमेंट उनके राइट्स वोटिंग राइट्स यू नो फाइनेंशियल इंक्लूजन की इश्यूज जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में हर तरीके से धीरे धीरे उनको ज्ञान दिया जाता है और तो कितनी अच्छी बात है कि आप जो बेसिक आपकी एजुकेशन है वो तो मिलती है इसके अलावा अगर आप में आगे पढ़ने की चाह है तो उसको भी प्रमोट किया जाता है और ये सुविधा मुहैया कराई जाती है हम पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स की भी बात आपसे करेंगे लेकिन उससे पहले एक बार फिर से दर्शकों को याद दिला दें कि कल यानी आठ सितम्बर को है इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऐसे में एक खास कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली कैंट के मोनिक्शा ऑडिटोरियम में किया जाएगा और और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह ग्यारह बजकर पच्चीस मिनट पर आप डीडी के नेशनल नेटवर्क नेशनल चैनल और डीडी भारती पर देख पाएंगे सब पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स के बारे में बताएं कि एक बार एक व्यक्ति लिटरेट हो गया उसके बाद जो आपके द्वारा प्रोग्राम चले चलाए जा रहे हैं उनसे क्या सुविधाएं दी जाती हैं देखिए जो हमारा पहला नेशनल लिटरेसी मिशन था उसमें ये एक अप्रोच था कि पहले आप लिटरेसी देते हैं फिर उनको पोस्ट लिटरेसी देते थे फिर उनको आप कंटिन्यूइंग एजुकेशन के फेज में लाते ला थे, थे लेकिन जो आ, हमारा अब का प्रोग्राम है जो साक्षर भारत का है देर वी कंसिडर कि एक एक कॉन्टीन्यूम है ये एक आ, लगातार धारा ये नहीं होता है कि फेजेज में किया जाता है कि लिट्रेसी फिर उसका पोस्ट लिटरेसी ले लेकिन जो अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स हैं हमारे वहाँ